कोई मिलके साथ में खाना खाता है तो कितना अच्छा लगता है। और अभी तो एक दो दिन से हम अकेले बैठ बैठ के खाना खा रहे हैं, हमको कैसे लग रहा है मुझे पता है। कैमरा उठा के दिखाएंगे तो मतलब लेडीज़ को पूरा बैठा ना कर इसलिए नहीं दिखा सकते हम। उसके बाद अगर खा लेते फटाफट तो फिर नर्स अभी आएगी और हाथ में इंजेक्शन लगाएगी, इसलिए फटाफट खा लेते हैं उसके बाद नहीं खा पाएंगे। मैं आके खूने चढ़ा दे सलाइन लगा दे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि तीखा एक भी नहीं है, खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें शायद मेथी मेथी डाली है, बहुत अच्छा लग रहा है। तीखा तीखा नहीं है, चाल चलने में मुझे मतलब खाल नहीं लग रहा ज़्यादा, और पूरी के साथ खा रहे तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग को भी खाना तो जल्दी जल्दी आ जाइए, हम अकेले खा रहे क्या करें, जल्दी जल्द तो ऐसे ही घर चले गए। और वो लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ लेते आते हो साथ में बैठ के खाते हैं, मतलब अभी खाना मेरे को अकेले खाना पड़ रहा है। मेरा आलू झोल का सब्जी है, आलू है और ये पूरी है, और यह दाल चना दाल और खाना है, और गर्मा गर्म डोसा लेने, और ये रहा मेरा डोसा। और हाँ, जिस किसी को मतलब पता नहीं है कि हम किस हॉस्पिटल में हैं तो बता दे रहे, MGM हॉस्पिटल है वहीं हम हैं, और पता नहीं आज या कल मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम घर चले जाएंगे। और तबीयत थोड़ा ठीक है, पूरी तरीके से ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो तो घर पर खा पी के अपना तंदुरुस्त होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा। तो खान नाश्ते में है डोसा गर्मा गर्म लेके आए थे जीजू जी, और तो हम जा रहे हैं अभी लेके ऊपर। और ऐसे भी मेरा दलिया अंडा दूध केला रखा हुआ है, हम लिए थे वहाँ पे और लिए और रख दिया, और मुँह वगैरह जो है भीगा है अभी भी। और फिर डायरेक्ट जैसे ही फ़ोन आया कि जीजू जी गेट पे खड़े हैं नाश्ता लेके, हम थोड़े थोड़े चले गए नाश्ता लेके आए। अभी जा रहे हैं अपने रूम क्योंकि आज मेरा बेड तब शिफ्ट होगा, उनको रूम दिया जाएगा इसीलिए आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहिए। मेरा बेड है देख सकते हैं, यहाँ विंडो खुला हुआ है बाहर करना, ये और यहाँ दलिया है, और मेरी बात चार्ज नहीं है, चार्जर तो है बोर्ड उतने दूर में है वो रहा उधर सामने में, हम सोचे मेरा बेड में यहाँ लगा रहता तो हाँ 8-7 के रूम में AC भी है और वो 18 डिग्री पे चल रहा है। आप लोग जानते हैं कितना अच्छा हॉस्पिटल है वाला, और इसीलिए हम लोग को मतलब खिड़की खोलने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि खिड़की से मच्छर सब आता है, इसलिए AC तो है, पंखा भी सब तरफ चल रहा है, क्या चीज़ कर बताइए। पर फ़ोन में चार्ज नहीं है, चार्ज कर लेना तो मेरे को दिक्कत हो जाएगा बाद में फ़ोन वन करने का, तो जब तक फ़ोन चार्ज होगा तब तक खाना खा तब नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आप सबको मिल जाएगा चटनी। और ये रामला का डोसा जो दुकान से आया है, और वो तो दलिया आप लोग जानते ही हैं, गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगा मेरे को और बहुत ही टेस्टी है। और दीदी जला के लिए थे दीदी और जीजा, अरे दीदी जी बहुत कुछ लेके आया था आपको, जहाँ मेरा मतलब रूम है वार्ड है वहाँ से खाली कर दिया है और दूसरी जगह हमको भेजा है, तो हम सामान सब अपना मतलब छोड़ के आए हैं वो जगह में। और उसके बाद में अभी हम जाएंगे चार्जर, हम भूल गए थे चार्जर लेने आए, और दूसरा वार्ड में है तो वहाँ पे बहुत थोड़ा अच्छा है, यहाँ भी अच्छा ही है और वहाँ तो और ज़्यादा अच्छा है। तो चलो आप लोगों को दिखाएंगे हम कैसा मेरा वार्ड है। और हम ना अभी वहाँ पे वीडियो मतलब बनाए छुप छुप के जो बोले थे बनाए, तो उसी बात के लिए मेरे से लड़ाई होने लगा, तो क्या मैं वीडियो बनाती हूँ तो कोई मेरे वीडियो में दिखाई देता है, अगल बगल नहीं दिखाई देता है ना, फिर भी बोल रहा है कि नहीं तुम वीडियो बनाती हो ऐसे वैसे, मेरे से लड़ाई करने लगा वो। तो अभी हम जा रहे हैं अपना खाना लाने, और खाना लाएंगे बाहर से, जीजा जी आए चल रहे जा रहे हैं और मेरे साथ बेबी जा रहे हैं, किधर गए छुप जाते हैं पता नहीं किधर, तो मतलब बगल वाली ही बेड में है उनके साथ है तो मेरे साथ जा रहे हैं, और हम खुल के वीडियो ही नहीं बना पा रहे थे, बस ऐसे सामने से करना पड़ा था कि कोई देखे और मेरे को बोले ना। ऑलरेडी गेट में खड़े थे मतलब यहाँ पे वो जो गेट दिख रहा है ना उधर साइड में उधर, और ये रहा मेरा खाना, और जाएंगे और खाएंगे ऐसे दीदी जैसे लग रहा है, तो एक तो इनो भी मंगाए थे साथ में, तो इनो भी पियेंगे और
पोछा चल रहा है उधर, नाक वाक बंद करके सब खाना है, शायद मैं बर्दाश्त नहीं होता। चलो तो मिलते आगे। हम खाना लेके आ चुके थे और उसके बाद में इनो एक मतलब मेरा पेट में गैस मतलब ऐसा लगा था ऐसे टूटी हुई, इनो लाया पिए और उसके बाद दरकार निकला तो अच्छा लगा। अभी हम बैठे हैं खाना खाने, खाना लेके बैठे हैं तो ये रहा खाना। अब मुझे पता है, चलो हम खा लेते हैं खाना, क्या करेंगे, अपना ख्याल रखना पड़ेगा ना। इतना कुछ हुआ, ब्लड वेट चढ़ा है तो, और एक बार चढ़ेगा बोला है ब्लड, देखते हैं चढ़ता है कि नहीं, और चढ़ता है तो आप लोग को दिख जाएगा, नहीं चढ़ेगा तो भी दिख जाएगा, तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। आज घर से अभी तक कोई नहीं आया है, सोचे कि कोई ना कोई आएगा रहा दे। खाना वाना हो गया था मेरा, जैसे कि आपको बोला था हम खाना खा रहे उसके बाद में, और देखे तो बारिश स्टार्ट हो गया धीरे धीरे एकदम। तो दीदी आई है साथ में, तो हम बोले कि दीदी है तो हमें साथ में जाके पानी लेके आते हैं, तो दीदी भी आई थी और दीदी पकड़ी है पानी और हम वीडियो बना रहे हैं। तो जीजा जी भी आए हैं तो उधर कुछ लाने गए हैं, तो हम लोग सोचे कि हम लोग को खोजेंगे इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और आज इतना भीड़ नहीं है ना हॉस्पिटल में, पूरा खाली खाली लग रहा है। तो चलो हम वेट किए सबका, कोई नहीं आया अभी तक। पूजा दीदी बोली कि निकल चुकी है, और ये भी पूजा दीदी ही है, पूजा दीदी दो दो मिल के। अब पूजा दीदी बोली का तो एक नहीं है, ये पूजा दीदी आपका सर नहीं, पूजा गुराई, पूजा गुराई दीदी है, और वो पूजा भुवन दीदी को जानती है आप लोग। अभी जीजा जी आ गए, देखिए वो रहे साइड में, नहीं आएंगे हम जा रहे बोलते हैं, नहीं नहीं हम जाएंगे सर, देख लिए। तो दीदी भी अभी जाएगी शायद, और हम यहाँ से वेट कर रहे हैं। ये है रानी के लिए उसका जीजा जूस और बिस्किट लेके आए हैं, देख सकते हैं अभी लेके आए, इसको ठंडा है तो ठंडा ठंडा पियेंगे, और हम सोचे हम जल्दी छुट्टी होगा तो हम भी जाएंगे। दिला दीजिए छुट्टी जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है छुट्टी दिला देंगे, और बात ये मिल गया मेरे को। तो अभी आप रुकेंगे कि जाएंगे, रुकिए बाद में जाइए। जीजा जाएगा अभी थोड़ा देर रुकेंगे। तो चलो हम कुछ देर बातें कर लेते हैं, वीडियो तो मेरा बनते रहेगा, और यही हम भाषण देते रहेंगे तो तुरंत मेरा 8 मिनट का वीडियो सेव हो जाएगा। आए हैं मिठाई, और कौन लाया है जानते हैं, ये मोटी दीदी वैसे लेके आए हैं। मोटी दीदी मोटी दीदी आज सुंदर लग रही है ना, बताइए कमेंट करके, बहुत प्यारी लग रही है आज। आज जीजा जी अभी नहीं आए, रोज़ रोज़ मतलब घर जाके नहा रहे तो सर्दी खांसी पकड़ ले रहा है, और उनको स्कूल भी जाना पड़ता है ना सुबह बच्चा छोड़ने, इसीलिए। तो ये मिठाई हम खाएंगे और दीदी खाएगी, ये वाला मेरा फेवरेट है, इसको क्या बोलता है पता नहीं, क्या क्या मिठाई जीजा जी रहते तो अभी नाम बता देते फटाफट, नाम नहीं जानती है बट जो भी है पर लेके आइए। और दीदी और अपनी खाएँगे, और ये क्या है पता है ना, मेरा ब्लड है जो भी चढ़ाएगा आपको जानते हैं, ये अनार का जूस है, हम अभी पिए और थोड़ा बाकी है तो इसको थोड़ा सा बाद में पियेंगे। चलो मेरे लिए कपड़ा वगैरह भी लेके आई है दीदी, हम चेंज करेंगे सोचे, तो उसको चेंज करके हम कैसे रहेंगे, वो गंदा हो जाएगा, वाइट है कपड़ा, यानी लाए रेड है वो, हाँ तो उसमें वाइट कलर भी है, हाँ तो वो फिर गंदा हो जाएगा, तो मशीन तो है ना धुला जाएगा। मशीन में धुला जाएगा, दिमाग पूरा चलाती है ना, क्योंकि हाथ से रगड़ना नहीं होगा जो, और जो हाथ से रगड़ना होता है उसको हम जल्दी गंदा नहीं करते ना फ्रेंड्स।